हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको मटन कोरमा बनाने की रेसिपी देने जा रही हूँ। मैंने इसको बहुत इजी वे में बनाया है और फिर भी ये बहुत टेस्टी बनेगा, तो आप भी इस इजी रेसिपी को ट्राई कीजिए कोरमे की। इसको बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम्स मटन लिया है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है, 1/2 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबल स्पून सॉल्ट, 1 टेबल स्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, 1 टेबल स्पून मैंने कोकोनट पाउडर लिया है। इससे कोरमे का टेस्ट बहुत इन्हांस हो जाता है, तो प्लीज़ आप इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। 1 टी स्पून गर्म मसाला पाउडर, 4 टेबल स्पून गाढ़ी दही ली है मैंने, 4 टेबल स्पून घी के लिए हैं। असल कोरमा घी में ही बनता है, लेकिन आप ऑयल का यूज़ भी कर सकते हैं। 2 मीडियम साइज़ की अनियन ली हैं, इनको फाइनली चॉप्ड कर लिया है। और गरम मसालों में मैंने 1 तेज़पत्ता, 1 सिनेमन स्टिक, 3 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 8-10 दाने मैंने काली मिर्च के लिए हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। हम प्रेशर कुकर गरम करके उसमें घी ऐड कर देंगे। घी अच्छे से गरम हो गया है, अब हम इसमें अनियंस ऐड कर देंगे और इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। गैस की फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, क्योंकि हाई फ्लेम पर प्याज बाहर से तो डार्क हो जाती है लेकिन अंदर से कच्ची रह जाती है। तो इसको अच्छी तरह गोल्डन ब्राउन करने के लिए हम इसको मीडियम गैस पे फ्राई करेंगे। अनियंस हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई हैं, अब हम इन सभी अनियंस को एक बाउल में निकाल लेंगे और इसका एक दरदरा पेस्ट बना लेंगे। अब हम कुकर में गरम मसाला ऐड कर देंगे और इसको कुछ सेकेंड्स के लिए सॉटे करेंगे। कुछ सेकंड सॉटे करने के बाद हम इसमें जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट ऐड कर देंगे और उसे 2 मिनट फ्राई करेंगे। 2 मिनट गार्लिक को फ्राई करने के बाद हम इसमें मटन ऐड कर देंगे और इसको इसका कलर चेंज होने तक ऐसे ही फ्राई कर लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। हमने मटन को फ्राई कर लिया, अब हम इसमें ऐड कर देंगे रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, गरम मसाला पाउडर और सॉल्ट, और इन सबको मिक्स कर लेंगे। और साथ में ऐड करेंगे 1/2 कप पानी और इसको 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर अच्छे से भून लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर देंगे कोकोनट पाउडर और दही और इसका पानी ड्राई होने तक इसको हम हाई फ्लेम पर भून लेंगे। सभी मसालों के साथ इसका पानी ड्राई हो गया, अब हम इसमें अनियन का पेस्ट ऐड कर देंगे, जो प्याज हमने फ्राई करके रखी थी उसका पेस्ट, और इसको मिक्स करेंगे। अनियन पेस्ट ऐड करने के बाद इसको 2-3 मिनट और हाई फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। सभी मसालों के साथ अब हमने मटन को बहुत अच्छे से भून लिया है, अब हम इसमें 1 ग्लास पानी ऐड कर देंगे, मिक्स करेंगे और अब हम इसमें प्रेशर लगा देंगे। हाई फ्लेम पर 1 सीटी आने के बाद हम गैस की फ्लेम लो कर देंगे और 7 से 8 मिनट तक लो गैस पर इसको प्रेशर के साथ पकाएंगे। 7 से 8 मिनट के बाद हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसका प्रेशर ऑटोमेटिकली रिलीज़ होने देंगे। अब हम इसको चेक कर लेंगे, हमारा कोरमा बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। ये लीजिए, तैयार है हमारा लजीज कोरमा। आप इस मटन कोरमे को नान के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ या बटर नान के साथ सर्व कीजिए। और आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।